हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इससे सीबीएसई 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछती है और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछती है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है वो वेरी वेरी सिंपल है, हम लोग अगले 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन वो है जो मैं 3rd नंबर पे करवाऊंगी और वो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, काफी कॉन्सेप्चुअल है। इसमें ध्यान देना है कि तीनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। एक्स इंटरसेप्ट की बात करूं इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, बाकी दोनों 0। वाई इंटरसेप्ट की बात करूं तो वाई लिख दिया, बाकी दोनों 0। जेड इंटरसेप्ट में जेड कोऑर्डिनेट लिख दिया, बाकी दोनों 0। 3 पॉइंट पता है तो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटर्मिनेंट फॉर्म। इन तीनों को डिटर्मिनेंट में रखेंगे, इक्वल्स टू 0 सॉल्व करेंगे, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया दिस वन, जहां ए एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट, सी जेड इंटरसेप्ट है। अब हम लोग 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई प्लेन ऑन एक्स एक्सिस। मुझसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट होगा, तो मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर ले रही हूं। देख ले, हमारा क्वेश्चन है 2x + y - z = 5। आप अच्छे से ध्यान दें, यहां 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, मतलब इसे 5 से डिवाइड करना होगा। 2x / 5 y / 5 z / 5। मैं इसे थोड़ा और अरेंज कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं अरेंज कर रही हूं। यहां इस 2 को नीचे ले आऊंगी, ये हो जाएगा हमारा 5/2 y / 5 z / -5। क्या तीनों इंटरसेप्ट यहां से अपने आप क्लियर हो गया? मुझसे x x / x इंटरसेप्ट होता है, मुझसे x इंटरसेप्ट पूछा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगर देख लें क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट पूछा, अगर y इंटरसेप्ट पूछता तो 5, z इंटरसेप्ट पूछता तो -5 ही हमारा कंप्लीट आंसर आ गया होता। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है सेकेंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ दीज इंटरसेप्ट्स। तीनों का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x / a y / b z / c = 1। क्या तीनों इंटरसेप्ट मालूम है हमें? a के जगह 3, b के जगह -4 और c के जगह 2 रख दूंगी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था जो कि बहुत सिंपल था। 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा। 3 4 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी, 4x - 3y + 6z = 12 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर करने जा रही हूं, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए। क्वेश्चन है हमारा अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहा, मैं मान लेती हूं कट्स द एक्सिस एट ए बी एंड सी। एक ऐसा प्लेन, ये एक ऐसा प्लेन है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ये एक ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर कट करता है, मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताई है, और ये जेड हो गया। यहां लिख भी देते हैं एक्स वाई एंड जेड। तीनों इंटरसेप्ट मालूम हो चुका, अब देखें यहां क्या होगा। मैं प्लेन की इक्वेशन क्या लिख लूंगी, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x / a y / b z / c = 1। हमारा आंसर यही होगा, ए बी सी पता लगाना है।
अब कह रहा है कि ये प्लेन, यहां देखें, प्लेन इज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब मैं इस प्लेन की अगर बात करूं तो ये प्लेन ओरिजिन से 3P की दूरी बना रहा, मैं इसे ओरिजिन मान लेती हूं। ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी 3P है। मैं यहां लिखने जा रही हूं 3P इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला। आप 11th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े हैं, सुन लें। पहले क्या लिखते हैं, x का कोफिशियंट का होल स्क्वायर, y का कोफिशियंट का होल स्क्वायर। देख लें यहां क्या है, y का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट 1/b, z का कोफिशियंट का होल स्क्वायर। अब क्या है, x के जगह 0 रख दें, y के जगह y कोऑर्डिनेट रख दें, z के जगह z, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इक्वल टू 1 इस तरफ आएगा -1। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने जा रही हूं यहां, चलिए मैं यहीं पे कर लेती हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, और ये रूट हमारा खत्म हो गया 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर और 1/c स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको यहां लिख रही हूं, इसको यहां लिख रही हूं, 9p स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं, यहां मैं आपको बताने जा रही हूं, मैं उसे, ये हमारा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया और ये हमारा नीचे आ गया। अभी मैं इक्वेशन 2 मानकर रहने देती हूं। क्वेश्चन क्या है देख ले, शो दैट लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC के सेंट्रोइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। तो अभी मैं दोबारा से यहां ट्राइंगल ABC बना रही हूं। ABC, ये A का कोऑर्डिनेट, ये B का कोऑर्डिनेट और ये हमारा C का कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइड क्या होता है जी, X1 प्लस X2 प्लस X3 बाई 3, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बाई 3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। और मुझसे लोकस ऑफ सेंट्रोइड पूछा है, मैं मान लेती हूं लेट लोकस ऑफ सेंट्रोइड बी X, Y एंड Z। तो इसे X कहेंगे, इसे Y और इसे Z। लेट A/3 इक्वल टू X, A की वैल्यू 3x, B/3 इक्वल टू Y, B इक्वल टू 3y, C/3 इक्वल टू Z, C इक्वल टू 3z। इन तीनों वैल्यू को मैं इसमें इक्वेशन 1 में पुट करने जा रही हूं। देखिए इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, रिक्वायर्ड, मुझसे लोकस पूछा था, यानी इक्वेशन 2 में पुट करूंगी, रिक्वायर्ड लोकस इज ABC ही तो हटाना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, पुटिंग वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन 2, ए स्क्वायर के जगह क्या होगा 3x का होल स्क्वायर, मैं करने जा रही हूं 1/3x का होल स्क्वायर, B के जगह 3y, 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/9p स्क्वायर। 9 9 9 कट गया, क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। हमारा ये टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो गया। आपके पास कम समय भी होगा तो भी ये टॉपिक जरूर करके जाइएगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।